सीमा हैदर काफ़ी दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा हैदर को लेकर तमाम तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई है, तो कोई कह रहा है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीमा हैदर शक के दायरे में है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अब यूपी एटीएस को सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सीमा हैदर का मामला बीच में ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद ये केस उत्तर प्रदेश एटीएस के हाथ चला गया था। उसके बाद यूपी एटीएस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एटीएस को शुरू से ही सीमा हैदर पर शक था। सीमा के पास 4 मोबाइल फ़ोन मिले थे, जिनमें एक पाकिस्तानी फ़ोन टूटी हुई कंडीशन में मिला और उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा उसके डेटा को रिकवर किया गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है सीमा हैदर भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के वास्ते आई हो। जब उसकी बॉडी का चेकअप किया गया तो उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जब सीमा हैदर की बॉडी की तलाशी ली जा रही थी, तो सीमा बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब सख्ती से तलाशी ली गई तो सीमा ने कहा कि हमारी कुरान में किसी महिला के शरीर को टच करना पाप है। इसके बाद पुलिस को सीमा पर शक और बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि सीमा की बॉडी के अंदर कहीं कोई चिप हो सकती है। हालांकि जब महिला पुलिसकर्मी ने सीमा हैदर के प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास किया तो सीमा गुस्सा हो गई और तलाशी नहीं लेने दी। इस घटना के बाद पुलिस का संदेह और ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में सीमा हैदर के प्राइवेट पार्ट में कोई चिप हो सकती है, और क्या पुलिस को उसकी तलाशी लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।